तुम सबके जोहार। आज हम इन यहाँ श्री विधिगत खेती कर ली रहे, शेकर कसन उपज हलक है, शेकर मूल्यांकन करे के लिए हम इन यहाँ आज सबको जमा हली है। आप मूल्यांकन कैसे करवा दीदी? ये एक बाय एक मीटर कर फ्रेम बनाल है, ये पाइप कर बनाल है, ये लकड़ी कर बांस कर भी बनेला एक बाय एक मीटर कर, ठीक ने? ये क्या हम इन यहाँ रखब और इकर बीच में जितना पौधा आई से के गिन के काटब, इसने करके हम पांच जगह से काटब। दीदी के घुसावा पाइप के घुसावा, जितना इकर में पौधा आई सबके काटे है। एक दो तीन। अब ये धान के का करबे? अब चला एसरा या नन एसरा दुयो के मिस के यार दाना के अलग करब, पवाल से हटाए देबे। अब एके का करबे? चला अभी के एसरा से जे खेती कर रही सेखो और नन एसरा से खेती कर रही सेखो, दुयो के नापब कौन अधिक उपज लग है। चला नापबे। श्री विधि वाला धान है के इकर में पांच जगह काए थी 25 स्क्वायर मीटर और इकर वजन 3 किलो 720 ग्राम है। बिना श्री विधि कर है कहो दीदी, जेकर में की 1 केजी 400 ग्राम है हो। दीदी इसलिए गिनवा थी उनकी श्री विधि से जे खेती कर रही नहीं, सैकड़ों दाना 1000 गिनवा थी यार, जे बिना श्री विधि से खेती कर रही सैकड़ों दाना 1000 गिनवा थी और दुयो कर दाना के साफ करवा के देखब कि कितना उकर में कौन पुष्ट है, उनके वजन करब से ले तो इनके गिनवा थी। श्री विधि वाला धान है के इकर में 1000 धान है, इकर में वजन 30 ग्राम। बिना श्री विधि कर हो दीदी 1000 दाना, 1000 दाना में 25 ग्राम हो। अब एके का करवा और कुछ बाकी है दीदी? एखन नापे है एसराए वाला और नॉन एसराए वाला, दुयो में पूरा ककर में अधिक है से के देखे है। श्री विधि वाला तो अधिक देखे ला? हाँ वो अधिक है। इस श्री विधि से खेती कर रही से धान कर पूरा लागे, इकर वजन है 5 किलो 565 ग्राम। ये बिना श्री विधि वाला धान कर पूरा लागे, इकर वजन है 2 किलो 415 ग्राम। श्री विधि से खेती कर रही, उकर पुआल भी ज्यादा है और उकर बाल लंबा है, उकर में दाना भी ज्यादा है और उपज भी उकर अच्छा है। हम इन साल पारंपरिक खेती कर रही, उकर में उकर बाल है छोटा और उकर उपज भी कम है और पुआल भी कम है, तो अगले साल से हम इन श्री विधि कर खेती करें, बुकर में उपज ज्यादा है भी। SRI या श्री विधि से फसलों की खेती में पौधों को निश्चित दूरी एवं लाइन से लगाते हैं, जिससे उन्हें उचित मात्रा में धूप, हवा, पानी और पोषण मिलता है और हमें फसल की अच्छी उपज मिलती है।